आज एक नया काम करने जा रहे हैं, मतलब नया इसीलिए बोल रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में पहले वो कभी नहीं मतलब करा हूँ। तो क्या है चलिए थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, एक्चुअली बता ही देता हूँ। मछली फिशिंग मतलब जो होता है मछली पकड़ना, जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, एक बांस का कुछ बना हुआ रहता है मतलब डंडी जैसा, और उसी में धागा लगा हुआ रहता है और एक कांटा भी रहता है, उसको मतलब तालाब में फेंक के मतलब उसमें कुछ दिया जाता है, केचुआ या फिर आटा गूंद के दिया जाता है, तो उसी में जो होता है मछली उसको खाने के लिए आता है, तो फिर उसमें फंस जाता है। तो ये कैसे करता है, कुछ लोग यहाँ पर पकड़ रहे हैं तो हम उनसे बातचीत पहले ही करके आ गए हैं कि हमको थोड़ा पकड़ना है। बोला ठीक है भैया आप आइए, आपको एक चांस एक मौका हम लोग भी देंगे। तो चलिए देखते हैं हम सकते हैं कि नहीं, और कैसे क्या होता है वहाँ पर जाके ही पता चलेगा। सामने ही है मतलब तालाब, ज़्यादा दूर नहीं है, चलिए पर डायरेक्ट वहाँ पर आप लोगों को लेके चलते हैं। और भी बहुत सारी छोटे मोटे जानकारियाँ के लिए इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पार्थ्वाचार्य7 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप हमको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी है टेक रिलेटेड या रिव्यू रिलेटेड जो भी बोल सकते हैं, पार्थो के रिव्यू नाम से, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पर जो लोग रिव्यू रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं वो लोग जाके हमको वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले जाके चेक कर लीजिएगा कैसा कैसा वीडियो अपलोड करा हूं, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। डायरेक्ट जाके ऐसा नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट हमको जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा बोलना भी गलत है। पहले एक दो वीडियो देखिए, यदि अच्छा लगता है आप लोगों को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो मतलब फिशिंग कैसे किया जाता है मछली का वो जाके आप लोगों को अभी तुरंत दिखाता हूँ। सामने ही एक तालाब है, वहाँ पर मैं अभी आया फिलहाल। अभी दो आदमी यहाँ पर मछली पकड़ रहा है फिशिंग रॉड लेके, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है, इंग्लिश तो उतना ज़्यादा हमको आता नहीं है, ऐसे हम लोग ताड़ी बोलते हैं बंगलाई मतलब बंगाली वार्ड में। देखिए इधर और दो आदमी बैठा हुआ है, एक इंटरेस्ट का भी बात है, ये हमको तो बहुत मज़ा लगता है, हालांकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, हालांकि देखा बहुत बार हो, और अपने मन में भी ख्याल आता है कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये एक तरह से एक इंटरेस्ट ही हो गया। और टाइम पास यदि बोलिएगा तो बहुत बेहतर तरीके से टाइम पास होता है। बहुत जगह तो शहर में मतलब टिकट कटा के मतलब पैसा दे के ये मछली पकड़ा जाता है, उसमें शायद 2-3 घंटा का बात है। देखिए मैं भी अभी एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा, देखते हैं कि मतलब होता है कि नहीं। बहुत जब छोटे थे हम लोग, लगभग 20 साल पहले का बात है, तब एक बार शायद पकड़ा था, लेकिन उसके बाद से आउट ऑफ टच हो गया। तभी एक छोटे बच्चे से मैंने फिशिंग रॉड को लिया, तो देखते हैं। देखिए एक मछली तो उठ गया इधर तालाब या जिसको हम लोग कहते हैं मतलब देसी लैंग्वेज में, वही मछली ज़्यादा उठ रहा है। मेरा भी तो अभी तक एक भी लगा नहीं अभी तक, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, ये ट्राई करते हैं। आप लोग भी यदि कभी मौका मिलेगा तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। देख सकते मछली सब हाथ में एकदम आ जा रहा है, इतना सामने सब है, छोटा छोटा मछली जो है, देख सकते गौर कीजिए तो पता चलेगा आपको। देखिए कितना सारा मछली सामने आ गया, आटा को मतलब ई करके दे रहा है, गोल गोल बॉल टाइप का बना के फेंक रहा है। देखिए एक मछली मैंने भी पकड़ा, लेकिन बहुत ही छोटा उठा, तलापिया ही उठा। अभी 2-3 बड़ा मछली भी पहले ही लोग पकड़ लिया है, और मैंने इसको बोल दिया है कि हमको चाहिए वो, देख सकते कितना मछली सामने घूम रहा है आटा को खाने के लिए। देखिए ये सारा मछली उठाया गया है, यहाँ कि मैंने पहले ही बोल दिया कि हम ही लेंगे, और 50 रुपये में हमको ये उपलब्ध हो गया। और एक मछली है, टोटल 3 है, वो मैं पहले ही लेके गया हूँ।